दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 100 मार्क्स के 50 VVI ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, वो भी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे, ताकि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दैट्स स्ट्रेंज, आवर किड्स ब्लैंक स्पेस वॉच टीवी सीरियल्स। यानी कि यह हैरानी वाली बात है, जो हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स तो नहीं देख रहे हैं, तभी हैरानी वाली बात होगी। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तभी तो हैरानी वाली बात होगी ना, जो हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स नहीं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे ब्लैंक स्पेस हियर नेक्स्ट वीक, दे डैश हियर नेक्स्ट वीक। यानी कि अगले वीक की बात की जा रही है, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है। तो हेड कम होगा नहीं, केम भी नहीं होगा, कमिंग भी नहीं होगा, तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, विल कम। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, यानी कि वे लोग अगले वीक यहाँ आएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मार्शा इज़ रीडिंग अ नावल, मार्शा इज़ रीडिंग अ नावल। तो इसको, इसका बेस्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, इसमें चेंज करना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मार्शा इज़ रीडिंग अ नावल, तो इसमें अ नावल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, रीडिंग क्या है, ये वर्ब है, मेन वर्ब, और इज़ क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और मार्शा क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो रीडिंग यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में V4 रहेगा, तो पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, बीइंग। तो ध्यान देंगे, इसमें तो बीइंग है नहीं, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अ नावल इज़ बींग रीड बाई मार्शा। यानी कि अ नावल जो है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ नावल, उसके बाद अ नावल के हिसाब से ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी कि इज़ ही हो जाएगा, अ नावल इज़, और V4 है तो उससे पहले बींग यूज़ हो जाएगा, उसके बाद वर्ब 3, तो रीड का रीड ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो अ नावल इज़ बींग रीड, उसके बाद लास्ट में जो सब्जेक्ट है उससे पहले बाई जोड़ के सब्जेक्ट को दे देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि बाई मार्शा। तो अ नावल इज़ बींग रीड बाई मार्शा। तो दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे, जो अगर एक्टिव वॉइस में V4 आया है, तो पैसिव वॉइस में उसका क्या हो जाएगा, वर्ब से पहले क्या हो जाएगा, बींग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, बींग। ठीक है दोस्तों, तो आपको हो सकता है उसी टाइप का ऑप्शन दे, जिसमें तीन ऑप्शन में बीइंग ना जुड़ा रहे और एक ऑप्शन में बीइंग जुड़ा रहे, तो आप डायरेक्टली उसको टिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। यानी कि ड्राइवरों को स्पीड लिमिट से ज़्यादा ड्राइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ड्राइवरों को स्पीड लिमिट से ज़्यादा में ड्राइव नहीं करना चाहिए, यानी कि मस्ट नोट। क्या हो जाएगा दोस्तों, मस्ट नोट, यानी कि चाहिए तो होगा नहीं, कर सकता है ये नहीं, ये भी नहीं होगा, मस्ट यानी कि ज़रूर करना चाहिए नहीं होगा, यानी कि मस्ट नोट हो जाएगा। यानी कि ड्राइवरों को जो है वो स्पीड लिमिट से ज़्यादा में ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो इसके इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट शी आस्क्ड हिम, व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड हिम। तो इसको सही इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इसके क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, यानी कि सी आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट, तो इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो गया व्हाट ही वांटेड, यानी कि व्हाट डू यू वांट से क्या हो गया, व्हाट ही वांटेड हो गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द बस। यानी कि तुम्हें अभी ही शुरू कर देनी चाहिए, तुम बस छोड़ सकते हो, यानी कि तुम यू मिस कर सकते हो बस को। तो इसका चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, इसका जो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है वो कौन सा सही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनलेस यू स्टार्ट नाउ, अगर आप अभी शुरू नहीं करते हैं, यू विल मिस द बस, तो आप बस मिस कर जाएंगे, यानी कि आपकी बस छूट जाएगी, तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक अ वेकेशन। द डॉक्टर सजेस्टेड डैश डैश टेक अ वेकेशन, तो द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टेक अ वेकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टेक अ वेकेशन, यानी कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया पेशेंट को क्या लेने के लिए, वेकेशन, यानी कि एक लंबी छुट्टी लेने के लिए क्या किया, पेशेंट को सजेस्ट किया यानी कि सलाह दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव अ होमवर्क टू डू, तो यहाँ पे जो आई जुड़ा है तो आई हैव अ होमवर्क नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है आई हैव होमवर्क टू डू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई हैव होमवर्क टू डू, यानी कि होमवर्क से पहले आ यूज़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी कि वी विल हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कब, व्हेन सीता, जब सीता बैक यानी कि लौटती है, जब सीता लौटती है तब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम का डिस्कस, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी परेशानी है प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे कब, व्हेन सीता कम्स बैक, यानी कि जब सीता लौट जाती है उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम पर को डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम्स, तो विल कम नहीं होगा क्योंकि जब सीता लौटेगी तब हम लोग ये करेंगे, वो नहीं होगा, केम भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और हैज़ कम भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश ही कम विद अस, डैश ही कम विद अस। ठीक है दोस्तों, तो डैश ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू का यूज़ नहीं होगा क्योंकि प्लूरल के साथ होता है, हैव का भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चाहे तो विल का होगा या फिर इसका होगा, तो क्या वह हमारे साथ आएगी, क्या वह हमारे साथ आएगी, तो अगर इज़ का यूज़ होता तो यहाँ पे कमिंग होना चाहिए था, यहाँ पे कम के जगह क्या होना चाहिए था, कमिंग होना चाहिए था, तो इसका भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विल, विल ही कम विद अस, क्या हुआ हमारे साथ आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ जो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही सेंटेंस को यहाँ पे चूज़ करना है, चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विश वी आर आई यंग अगेन, आई विश वी आर आई यंग अगेन। अगला है, आई विश वॉज आई यंग अगेन, आई विश आई वी आर यंग अगेन, आई विश आई वॉज यंग अगेन। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पे भी सपोज करने वाली बात आए, यानी कि सपोजिशनल सेंस आए जहाँ पे, तो वहाँ आई के साथ वर्ड का यूज़ होता है, यानी कि वी आर का यूज़ होता है, डब्ल्यू ई आर ई, तो आई विश वियर आई, तो यानी कि आई से पहले वियर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आई से पहले वियर का यूज़ किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वॉज का तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि सपोज किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आई विश आई वियर यंग अगेन, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। फिर आई विश आई वॉज, तो वॉज का यूज़ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ सपोजिशनल सेंस है, जो मैं आशा करता हूँ जो मैं दोबारा क्या हो जाऊँ, यंग हो जाऊँ, यानी कि जवान हो जाऊँ, तो ये आशा करता है, यानी कि सपोज कर रहा है, सपोजिशनल सेंस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आई विश आई वियर यंग अगेन, यानी कि आई के बाद क्या यूज़ हो जाएगा, वियर यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हैव यू सीन डैश ताजमहल, तो हम लोग जानते हैं जो ताजमहल में जो है वो द आर्टिकल का यूज़ होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों द यानी ग्रेट स्कॉलर ये है और पोएट, उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक ही आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, पोएट से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, तो ऐसा जब भी सेंटेंस आया दोस्तों तो इसको एक ही आदमी मानेंगे, यानी कि वो जो है एक ही आदमी जो है वही ग्रेट स्कॉलर भी है और पोएट भी, यानी कि एक ही आदमी है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पोएट से पहले आप पोएट लगा हुआ रहता तो क्या हो जाता, दो आदमी रहता, तो यहाँ क्या होता, प्लूरल होता है, लेकिन द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट यानी कि एक ही आदमी है, तो क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर होगा, तो हैव तो होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आर तो होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज़ डाइड, क्या हो जाएगा, हैज़ डाइड, क्योंकि यहाँ वी थ्री है तो उससे पहले क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपके आने का चांस बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे ग्रेट स्कॉलर है, यहाँ पे पोएट है, इससे पहले द का यूज़ किया गया, आर्टिकल का यूज़ किया गया, लेकिन इससे पहले नहीं किया गया, इसका मतलब एक ही आदमी है,
यानी कि आर्टिकल का यूज़ अगर एक बार किया गया तो एक ही आदमी, अगर इससे पहले भी किया जाता तो दो आदमी हो जाता, और आगे भी क्या होता, प्लुरल होता, तो वहाँ पे क्या हो जाता, हैव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही जगह आर्टिकल का यूज़ किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, जॉन डैश इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। क्या दिया हुआ है, फॉर 2 वीक्स, यानी कि फोर सेंस का यूज़ कब होता है, जब हम लोग परफेक्ट में रहते हैं, यानी कि जॉन हैज़ बिन लाइंग, जॉन हैज़ बिन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, यानी कि जॉन जो है 2 सप्ताह से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जॉन जो है 2 सप्ताह से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि लाइज तो होगा नहीं, इज लाइंग तो होगा नहीं, क्योंकि फोर ये सब में यूज़ नहीं होता है, लाइट भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक ही ऑप्शन बचता हैज़ बीन लाइंग। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इसमें जो है सही सेंटेंस को आपको चूज़ करना है। पहला है, सी इज़ द गर्ल हुज़ नेम इज़ रवि, रावी। सी इज़ द गर्ल होम नेम, तो होम तो यूज़ होगा नहीं। शी इज़ द गर्ल हु नेम इज़, ये भी तो यूज़ नहीं होगा। शी इज़ द गर्ल दैट नेम इज़ रावी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी इज़ द गर्ल हुम नेम इज़ रावी, यानी कि यह वही लड़की है जिसका नाम क्या है, रावी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम, द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम, तो बाई टॉम है, बाई के बाद यहाँ टॉम जो है वो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया, इसका मतलब इस ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो बाई टॉम, तो ये शुरू में आ जाएगा टॉम, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉम, टॉम वॉज पेंटिंग द हाउस, अगर ये होता पेंटिंग द हाउस तो यहाँ पे बींग जुड़ा हुआ रहता, ये तो है होगा नहीं। टॉम इज़ पेंटिंग, तो वी फोर तो होगा नहीं, क्योंकि वी फोर के बदले यहाँ पे बींग जुड़ना चाहिए था। टॉम पेंट्स द हाउस, तो ध्यान देंगे पेंट्स ये तो प्रेजेंट में आया था, लेकिन यहाँ तो वॉज है यानी कि पास्ट में है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हो जाएगा टॉम पेंटेड द हाउस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, टॉम पेंटेड द हाउस, यानी कि इसका हो जाएगा टॉम पेंटेड द हाउस, क्योंकि ये पास्ट में है और यहाँ पे भी पास्ट में है। ठीक है दोस्तों, और बाकी सब नहीं होगा, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसे कोई भी क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आई डैश स्पीक स्पेनिश, आई डैश स्पीक एन स्पेनिश, तो आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है दोस्तों, प्लूरल का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो डज नॉट तो होगा नहीं, सिंगुलर है, आगे होगा चाहे तो हैव नॉट, डू नॉट और हैड नॉट, तो यानी कि आई स्पी डैश स्पीक स्पेनिश, यानी कि मैं स्पेनिश जो है वो नहीं बोल पाता हूँ, यानी कि क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, आई हैव नॉट तो नहीं होगा और हैड नॉट भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, यानी कि मैं स्पेनिश नहीं बोल पाता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू, जब भी ऐसा रहे तो इसको हम लोग हमेशा सिंगुलर मानेंगे, क्या मानेंगे, सिंगुलर। आई आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल, तो इसका ऑप्शन है इज आर हैव हैज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल यानी कि दो में से कोई एक ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इज, तो ऐसे आइदर ऑफ द टू ये सब जहाँ पे भी रहे उसके आगे हम लोग हमेशा सिंगुलर का ही यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ लॉट ऑफ एनर्जी, वैसे ही यहाँ पे है अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे भी हमेशा सिंगुलर का यूज करेंगे, अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, तो इसमें भी किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर का, अ लॉट ऑफ एनर्जी है तो इसका भी सिंगुलर का यूज़ करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, यानी कि अ लॉट ऑफ एनर्जी वॉज वेस्टेड, वॉज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, तो वॉज हो जाएगा, वेयर तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, कैन तो होगा नहीं, कैन के बाद क्या आता है, वर्ब वन आता है, यहाँ वेस्टेड है, और विल, विल के बाद भी वी वन का यूज़ होता है, यहाँ पे भी वी थ्री है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अ लॉट ऑफ एनर्जी वॉज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर डैश, तो कॉलेज तो नहीं बोला जाता है, फ्रेंड्स भी नहीं, बैचमेट्स भी नहीं, क्या बोला जाता है दोस्तों, कलीग्स बोला जाता है, जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, कलीग्स कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई एम डैश माई बेड, आई एम डैश माई
बेड, यानी कि मैं अपना बेड सही कर रहा हूँ या फिर बना रहा हूँ। तो आई हैव, आई एम, टू मेक तो होगा नहीं, उसके बाद मेक नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ चुका है। तो आई हैव, आई एम मेकिंग माई बेड, यानी कि मैं अपना बेड बना रहा हूँ या मैं अपना बेड सही कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लिसन राधा डैश द सितार। तो सुन, हम किसी को बोलेंगे सुनो, तो इसका मतलब वो कोई भी चीज़ प्रेजेंट में हो रही होगी तभी तो बोलेंगे। तो विल तो नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं, हेड भी नहीं होगा, पास्ट में भी नहीं। तो राधा, राधा सिंगुलर है तो आर भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राधा, लिसन राधा इज प्लेइंग द सितार। सुनो, राधा सितार बजा रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इसमें सही स्पेल्ड वर्ड है उसको चूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ध्यान देंगे तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी ओ एम एम आई टी टी ई ई, यानी कमिटी का यही स्पेलिंग सही होता है, सी ओ एम एम आई टी टी ई ई, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैन वॉज डैश बाई अ डॉग। द मैन वॉज डैश बाई अ डॉग। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बाई अ डॉग, यानी कि बाई आ गया, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। तो इसमें क्या यूज़ होगा, तो हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस में क्या यूज़ होता है, वी थ्री का यूज़ होता है। तो बिट तो होगा नहीं, बिट वी थ्री नहीं है, हैज़ तो हैड, तो हैड बिट ने तो होगा नहीं क्योंकि वॉज है, फिर यहाँ हैड नहीं हो सकता है क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ, और यहाँ हैड बिट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिट नहीं, यानी कि द मैन वॉज बिटन बाई अ डॉग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द मैन वॉज बिटन बाई अ डॉग। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, यानी कि हटा करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर किसी चीज़ की थ्योरी रूल पता नहीं हो तो आप ऐसे भी उसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लुक डैश द पेंटिंग। तो क्या हो जाएगा, लुक एट दिस पेंटिंग, यानी कि लुक एट दिस पेंटिंग, यानी कि इस पेंटिंग की तरफ देखो या इस पेंटिंग को देखो, एट दिस पेंटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही डैश वीडियो गेम्स, यानी कि ही डैश वीडियो गेम्स, वह है वीडियो गेम्स क्या होगा, खेल रहा है, यानी कि ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम्स, यानी कि वह वीडियो गेम्स क्या कर रहा है, खेल रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आई बॉट दिस बुक्स डैश ऑक्शन, यानी कि मैंने ये सभी किताबें क्या की, ऑक्शन से, नीलामी से खरीदी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, फोर तो नहीं होगा, एड भी नहीं होगा, एट ऑक्शन, ऑफ ऑक्शन नहीं होगा, फ्रॉम, यानी कि मैंने ये सभी किताबें जो है ऑक्शन से, यानी कि नीलामी से खरीदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रॉम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूरज चमक रही है, वी यूजली डैश फॉर स्विमिंग, यानी कि हम लोग जाते हैं कहाँ, गो फॉर स्विमिंग, यानी कि हम लोग जो है तैरने के लिए जाते हैं, जब क्या होती है, सूरज चमकती है, खूब चमकती है, तब हम लोग कहाँ जाते हैं, तैरने के लिए जाते हैं। तो टू गो नहीं होगा, गोइंग भी नहीं होगा, और वेंड भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गो फॉर स्विमिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राधा आस्क रवि वेयर हिज फादर वॉज। राधा आस्क रवि वेयर हिज फादर वॉज। तो चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, यानी कि इसका जो है डायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राधा सेड टू रवि, राधा आस्क रवि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राधा सेड टू रवि, राधा सेड टू रवि, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वेयर हिज फादर वॉज। तो क्या हो जाएगा, वेयर इज योर फादर, ये डायरेक्ट हो गया, वेयर इज योर फादर, यानी कि इसमें इनडायरेक्टली बोला जाता है, इसमें डायरेक्टली बोला जा रहा है, वेयर इज योर फादर, राधा सेड टू रवि, राधा ने रवि से कहा, तुम्हारा पापा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ द गंगा। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, यानी कि स्थित है। तो क्या हो जाएगा, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, ऑन द, यानी कि ऑन द का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऑन द बैंक, एट द बैंक होता नहीं, ऑफ द बैंक नहीं होता, टू द बैंक नहीं होता है, क्या हो जाता है, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट। कैसा पोएट है दोस्तों जॉन डॉन, तो ये मेटाफिजिकल पोएट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर अ इंग्लिश अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑल टू ऑटम द सोल्जर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फायर हाइम्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि द सोल्जर्स, ये जो लिया गया है द लाइन इन द इन हार्ट एट पीस अंडर अ इंग्लिश हेवन, ठीक है तो ये द सोल्जर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैकबेथ एंड जूलियस केजर सीजर आर रिटन बाई, यानी कि मैकबेथ और जूलियस सीजर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, जॉनसन के द्वारा, गोल्ड स्मिथ के द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा या शेरिडन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो लिखा गया है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया मैकबेथ और जूलियस सीजर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश यूज सिंस AD 1500 इज कॉल्ड, तो यानी कि 1500 से जो क्या बोलते हैं इंग्लिश यूज़ किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश यानी कि 1500 AD से यानी कि 1500 ईस्वी से जो यूज़ किया जा रहा है इंग्लिश उसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे जो है पूर्वज जो है हमारे दादा परदादा ये लोग या आज से पहले के लोग, ठीक है वे लोग मशीनरी का इन्वेंट नहीं किए क्योंकि क्यों नहीं किए, दे नो न्यू वी वुड बिकम वो स्लेब्स, वे जानते थे हम लोग गुलाम हो जाएंगे, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी हम वे लोग जानते थे हम लोग खुश हो जाएंगे, दे डिड नॉट लाइक टू सी एस कम्फर्टेबल, वे लोग हमें आराम में देखना नहीं चाहते थे, दे वी आर जीलस ऑफ अस यानी कि वे लोग हम लोगों से जलते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स यानी कि वे लोग जानते थे जो हम लोग जो है मशीन का क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है तो इस मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिडिल इंग्लिश, क्या हो जाएगा दोस्तों मिडिल इंग्लिश इसी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37th नंबर क्वेश्चन है, द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम यानी कि एंड द नाइटिंगल इज डम ये किस लाइन किसके लाइन से लिया गया है, मतलब किस या फायर हाइम से लिया गया है, और टू ऑटम से लिया गया, नो द लिप्स आर फॉलिंग फर्स्ट से लिया गया, या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इससे लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑड टू ऑटम से लिया गया, ये जो लिया गया है एंड द नाइटिंगल इज डम ये लाइन जो है वो किससे लिया गया है, ऑड टू ऑटम से लिया गया है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शेल डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपके बुक से दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑलवेज मार्च अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड। तो ऐसे भी देख सकते हैं एंड एज वी वॉक, तो वॉक से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, ऑलवेज भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ऑलवेज हेड पीपल नहीं होगा, ऑलवेज फाइट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों प्लेस से भी रिलेटेड है तो इसमें देख के आप पहचान सकते हैं जो क्या होगा आगे, ऑलवेज मार्च अहेड। तो आपको जो बताया गया जो आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शंस को इग्नोर करके भी एलिमिनेट हटा करके भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीबल्स सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग डैश यानी कि सेबी का जो है वो हैबी क्या था, क्या कलेक्ट करने का, क्या जमा करने का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गॉड्स को जमा करने का, गॉड्स, ठीक है दोस्तों यानी कि लौकी कद्दू को जमा करने का क्या था उसको हॉबी था, शौक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ तो ये किससे लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किससे लिया गया दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ तो ये किससे लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, किससे लिया गया दोस्तों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर कौन है
महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सावित्री इज रिटन बाई, सावित्री इज रिटन बाई यानी कि सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि औरोबिंदो घोष। किसके द्वारा लिखा गया है? औरोबिंदो घोष। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्ट्रेंड रसल वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, यानी कि बर्ट्रेंड रसल को ध्यान रखना है किसमें अवार्ड नोबल प्राइज दिया गया है, लिटरेचर में यानी कि साहित्य में दिया गया है, ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बर्ट्रेंड रसल को यानी कि बी रसल को जो है वो लिटरेचर में नोबल प्राइज दिया गया था, लेकिन उसको कब दिया गया था नोबल प्राइज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1950 में, 1950 में उसको नोबल प्राइज दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे जो बर्ट्रेंड रसल को लिटरेचर के फील्ड में नोबल प्राइज मिली थी 1950 में, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड हैज़ बिन कम्पोज बाई, ये जो है द वेस्ट लैंड ये किसके द्वारा कंपोज किया गया, किसके द्वारा लिखा गया? टी एस एलियट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, एस टी कॉलेडिज और जॉन डॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि टी एस एलियट के द्वारा जो है द वेस्ट लैंड को कंपोज किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्ण कृष्णा नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्ण जो है वो कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए, किसमें? एसेंशियल वेल्थ में यानी कि धन में, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन यानी कि इंसानियत में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंसानियत में, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा तो 45 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, यानी कि इंग्लिश का न्यू वेराइटी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इमर्ज हुआ है, उगा है, ठीक है दोस्तों, तो इसका उदय हुआ है यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसको सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? सेकेंड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज इज डेस देन संस्कृत एंड पर्सियन, हम लोग जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत और पर्सियन से क्या है, काफ़ी यंगर है यानी कि काफ़ी नया है उसके उसके कंपैरिजन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि यंगर, क्या हो जाएगा दोस्तों? यंगर हो जाएगा। ठीक है, ओल्डर तो होगा नहीं और क्लासिकल तो होगा नहीं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ देन का यूज़ किया गया, तो क्या होगा? यंगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्टर डिलामियर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, वॉल्टर डिलामियर जो है वो हमें किस बात के लिए अवेयर कर रहा है, सावधान कर रहा है, जागरूक कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ इसी पे क्या कर रहा है, वो हमें जागरूक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वॉल्टर डिलामियर वॉज बॉर्न इन द ईयर, यानी कि किस साल में वॉल्टर डिलामियर का जन्म हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1873 में, कब हुआ था दोस्तों? 1873 में, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वॉल्टर डिलामियर का 1873 में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाई, यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बर्ट्रेंड रसेल यानी कि बी रसेल के द्वारा इसको लिखा गया है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर, सॉरी 50 ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर चुके हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिले, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो डेली मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।